बिल्कुल जिस तरह वर्ल्ड कप स्टार्ट हुआ और उसमें जिस तरह हमारे परफॉर्मेंसेज आई, इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेज भी आई, टीम की परफॉर्मेंसेज भी आई और काफ़ी कुछ सीखा इस वर्ल्ड कप से। और डिफरेंट कंडीशन थी, डिफरेंट सिचुएशंस में खेलते रहे, बॉलिंग करते रहे, एक दफ़ा लेट डाउन हुए, जिस तरह अप्स एंड डाउन तो आते हैं, जिस तरह पहले दो मैच हम हार गए, बट स्टिल हमें एक होप थी कि हम फाइनल तक जा सकते हैं और उसी वजह से अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरह टीम खेली, वापस कम बैक किया नदरनेट के ख़िलाफ़, उसके बाद जिस तरह थ्रू आउट आगे हमने मैचेस खेले और सेमीफाइनल जिस तरह खेला और उससे काफ़ी कॉन्फिडेंस मिले, और बट अनफॉर्चुनेटली फाइनल हम हार गए। बट एज अ प्लेयर काफ़ी कुछ सीखा सब टीम ने और अभी भी टीम ने एक दूसरे को जिस तरह बैक करते हैं, एक दूसरे पे बिलीव है, और जिस तरह का बाबर भाई है, जिस तरह वो टीम के साथ चलते हैं और जिस तरह हर प्लेयर के साथ वो बात भी करते हैं और उनको वो कॉन्फिडेंस देते हैं, तो ये काफ़ी चीज़ें हैं और एज अ टीम बन के खेलना ये सबसे बड़ी बात है। नो डाउट पूरे थ्रू आउट वर्ल्ड कप में जिस तरह फैंस ने सपोर्ट किया, जिस तरह पूरे पाकिस्तान में लोग बैठे हुए थे और जिस तरह ऑस्ट्रेलिया में जिस तरह के वो ग्राउंड्स में आए ऑस्ट्रेलियन कम्युनिटीज़, और उन्होंने आके हमें जिस तरह सपोर्ट किया, आज भी बिल्कुल जिस तरह क्राउड आया हुआ था और काफ़ी इन्जॉय कर रहा था और एज अ प्लेयर, और उसी तरह फैंस की जिस तरह दुआएँ, वही हमें हमारे लिए हमें सपोर्ट करते रहे, उनका थैंक यू सो मच।